नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में विजयादशमी पर्व बीतने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में दशहरा मेले का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं नगर क्षेत्र में रविवार को भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। शहर की पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में स्थापित की गई प्रतिमाओं का विसर्जन यात्रा शहरवासियों के लिए यादगार बन गई। गाजी बाजी के साथ धूमधाम से निकाली गई विसर्जन यात्रा में शामिल नारी शक्ति उत्साह के साथ डांडिया नृत्य का प्रदर्शन एवं पालकी में सवार माता जी का विदाई देख आंखें नम दिखी। पुरानी सब्जी मंडी रामलीला रोड स्थित होते हुए स्थापित की गई देवी प्रतिमाएं रविवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली पर आकर्षक ढंग से सजाए गए रथ पर रखी गयी। आयोजन समिति द्वारा जारी किए गए ड्रेस कोड के अनुसार धारण किए गए परिधान में पुरुषों व महिलाओं के लोग कौतूहल भरी नजरों से देख रहे थे। विसर्जन यात्रा में सीमित के कार्यकर्ता प्रतीकात्मक पालकी में सवार माता रानी को कंधे पर रखकर चल रहे थे। आकर्षक परिधान के साथ की सोलह सिंघार डांडिया नृत्य करते चल रही नारी शक्ति का उत्साह देखते बन रहा था। इस भव्य विसर्जन यात्रा को देख मानो इंद्रदेव भी स्वयं को रोक नहीं सके। बारिश के बावजूद यात्रा में शामिल लोगों का मनोबल पूरे चरम पर नजर आया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिधारी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए विसर्जन स्थल पर देवी प्रतिमाओं को विधि विधान से आदर पूर्वक विसर्जित किया गया। इस दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए थे। हर साल इसी तरह भव्य तरीके से व्यवस्था रहती है हमारी, और पीछे अभी हमने में इसके पहले माता जी का नौ कन्या का भोजन कराया था। हमारे कमेटी के जितनी भी माताएं बहनें थी सारे लोगों ने इस कमेटी में शामिल होकर के नौ कन्या का भोजन कराया, और इसमें डांडिया का कार्यक्रम अब की बारी छोटी माता जी हमारी पालकी में है। पुरानी सब्जी मंडी से हम लोगों ने पुरानी कोतवाली गए, पुरानी कोतवाली से चौक, चौक से पुनः पुरानी सब्जी मंडी शंकर जी की मूर्ति होते हुए सुधारी जाना है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।